बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने टॉपिक पढ़ा था, और उसके दो जो एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। ठीक है, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर हमने किए थे सॉल्व। उसके बाद अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उस सिचुएशन को डील करता है जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो, और नेट फोर्स समझ लें कि टोटल फोर्स को हम नेट फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। तो कहता है कि जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट होती है तो बॉडी में क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पर अगर आपने साइकिल को धक्का लगा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो साइकिल जो है लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूव करेगी, ना कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ या अपवर्ड्स मूव करने लग जाए। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में साइकिल मूव करेगी, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। आगे कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ इट्स मास। तो वो जो एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेट फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। तो ये देखें, ये इस यहाँ पे हमने डेरिवेशन में लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन जो होगा ये मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन की ली हुई है। एक्सेलरेशन वैसे वैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको वैक्टर क्वान्टिटी नहीं कंसिडर किया, हमने उसकी मैग्नीट्यूड ली है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के, और एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m, यानी कि मास के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल साइन। ठीक है, ये वाले साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल, और साथ में अगर एफ लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें 1/m है, इसको हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक हो गया, उसके बाद आप दोनों को हमने कंबाइन कर देना, तो एक्सेलेरेशन आ गया ये प्रोपोर्शनल टू एफ और डिवाइडेड बाय एम, और बाद में ये एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ए के साथ चले जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा यानी कि एम ए प्रोपोर्शनल टू एफ, और उसको सीधा करके इन्होंने लिख दिया जी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, ये एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और एक्सेलरेशन के पास जाके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं जी एम ए और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू एफ, और उसके बाद हमने क्या करना हो, सीधा कर लें आप इस एफ को लेफ्ट पे ले जाएं, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक हो गया, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको जब हम खत्म करेंगे तो साथ कॉन्स्टेंट आता है, उसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वी गेट, तो इसको हम खत्म करेंगे, एक इक्वल आएगा और साथ यहाँ पे के आ जाएगा, उसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो के की वैल्यू जो होती है वो एस आई यूनिट पे 1 होती है। के की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 1 पुट की, 1 मल्टीप्लाई होगा एम ए के साथ, तो यहाँ पे बन गया जी एम ए। तो फोर्स का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, उसके बाद फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये न्यूटन साइंसदान है, उसके नाम पर इन्होंने इसका यूनिट रखा हुआ है। अच्छा, न्यूटन की डेफिनेशन क्या है, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s² इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। तो 1 न्यूटन जो है वो फोर्स है जो के 1 m/s² का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और बॉडी का मास कितना होना चाहिए, 1 kg। तो 1 न्यूटन का फार्मूला, 1 न्यूटन बराबर है 1 kg, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 m/s². के जी जो है वो मास का यूनिट है, m/s² जो है वो एक्सेलेशन का यूनिट है। ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 1 kg ms-2, या 1 kg m/s² भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ तक का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डेरीवेशन की हेडिंग देनी है। ठीक है, डेरीवेशन आपने डेफिनेशन लिखने के बाद, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डेरिवेशन की आपने हेडिंग देनी है।
ठीक है। तो ये डेरिवेशन जो है वो ये यहाँ से इफ ऑफ और से लेकर ये चलती जा रही है, और इसके बाद आपने ये सॉल्व करना है, और लास्ट में यहाँ पे ये यूनिट की हेडिंग दे देनी है इधर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये यूनिट आ गए इधर, ठीक है। तो ये यूनिट की हेडिंग देनी है मार्कर से, और ये लास्ट में हमने आपने जो है वो यहाँ तक कर लेना है, यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होगा जी, या फिर सिंपल लिखना है एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इससे पीछे लिख लेना एक्सप्लेन, एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और ये सारा आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डू यू नाउ में कहता है ये जो बस है जब ये टर्न करती है, ठीक है, जो मुसाफिर खड़े होते हैं बल्कि बैठे भी होते हैं, तो वो आगे की तरफ क्यों झुकते हैं, ठीक है। वो ये है कि ड्यू टू इनर्शिया, वो पहले तो बस स्ट्रेट मूव कर रही थी तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी भी ऑटोमेटिकली मोशन स्ट्रेट थी। अब जैसे ही बस ने टर्न किया तो वो उनकी मोशन तो स्ट्रेट थी, ठीक है, बस की अब मोशन होगी टर्न, तो वो क्या होगी, जो लोग होंगे वो फिर आगे की तरफ इसलिए मूव करते हैं, ठीक है। व्हेन अ बस टेक्स ए शार्प टर्न, अ पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज ड्यू टू इनर्शिया, दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दस फॉल आउटवर्ड्स, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो बाहर की तरफ क्या होंगे मूव कर, वो बाहर की तरफ उनका झुकाव होगा, ठीक है, जब बॉडी जब बस जो होगी वो टर्न करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, और आपके मंथली टेस्ट भी होने हैं, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से तैयार करके अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से जो सबमिट करवाएंगे स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।